नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पी टी क्लास 25वां क्लास पे आ गए हैं। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एनम फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लेखपाल, अन्य महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, आप लोग को बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यूपी ट्रिपल एस सी एनम की तरफ से लगभग 4500 पोस्ट जो है, नई भर्ती जो है आपको देखने को मिलेगी और फार्मासिस्ट की लगभग 4000 पद जो है यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से देखने को मिलेगी। लेखपाल की भी जो है लगभग 205000 पद हैं और लैब टेक्नीशियन के जो है लगभग जो पद मेंशन हैं वो आएंगे। तो दोस्तों चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी मौका है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं कैसे। दोस्तों 24 क्लास में इसके पहले का पद बता दिया हूँ, आप लोग सीरियल वाइज से ही देखिएगा। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। जवाहर रोजगार योजना अप्रैल 1989 में प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2001 में हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है। साक्षर भारत मिशन का प्रारंभ जो है 2009 में हुआ था, पूछा गया क्वेश्चन है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आरंभ जो है 1987 में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ जो है 1988 में हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जो है यह कब हुआ था, 1 अप्रैल 2008 को लागू किया गया था दोस्तों, मनरेगा जिसको कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 फरवरी 2006 में लागू हुआ था, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है। आश्रय बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 को प्रारंभ की गई थी और आश्रय योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे कामगारों का है जो बेरोजगार हो गए हैं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, आश्रय योजना का संबंध इसी से है। आम आदमी बीमा योजना AABI का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2007 को किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ जो है 12 अप्रैल 2005 को किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों यह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1983 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। कपार्ट का संबंध ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम के सहायता व मूल्यांकन से है। कपार्ट का गठन 1 सितंबर 1986 को किया गया था। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का आधार, इसका ऐसे दोस्तों कभी कभी UIADI का फुल फॉर्म पूछता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। प्रवर्तित आधार जिसको हम कहते हैं दोस्तों, आधार जो है, आधार कार्ड जो है आपका, वही है। पहले ये था UIDAI और अब जो है परिवर्तित हो गया है आधार कार्ड के नाम से। भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने के लिए यह एक कार्यक्रम है। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष हुई थी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रारंभ वर्ष 1980 में हुआ था। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की शुरुआत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों यह, मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई थी। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मिड डे मील का जो है 6 वर्ष से 11 वर्ष और 11 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों की प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2000 में प्रारंभ किया गया था। यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। केंद्रीय विद्यालय की वर्ष 1963 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध है। CBSE जो है दोस्तों 1963 से संबद्ध है और केंद्रीय विद्यालय 1962 से है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। दृष्टि विकलांग हेतु दृष्टि राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में अवस्थित है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है। अली
यावर जंग राष्ट्रीय बाधिर संस्थान मुंबई में स्थित है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। भारतवर्ष में केवल विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। दोस्तों वर्ष 1981 को विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, पूछा गया क्वेश्चन। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। एंड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम है। दोस्तों भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। गरीबी जिसको पॉवर्टी कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में, सुरेश तेंदुलकर समिति एवं लकड़ा वाला समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही। भारत में निर्धनता गरीबी के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य कम मूल्य पर गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने दीपक पारेख कमेटी का गठन अवस्थापना विकास एवं वित्तीयन के लिए उपाय सुझाने के लिए किया था। दीपक पारेख वर्तमान में हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, HDFC के। दोस्तों HDFC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो लोग कुछ बैंक वाला लगा देते हैं, तो हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। दोस्तों कुपोषण के लिए भारत ने वर्ष 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है परिवार नियोजन, जिसमें जो है जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए है। दोस्तों वैदेशिक क्षेत्र मशीनरी परिवहन और लोहा सहित धात्विक विनिर्माण के निर्यात से भारत की निर्यात आय में सर्वाधिक योगदान होता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं जहां उद्योग उत्पादन शुल्क से मुक्त है तथा वे निर्यात के लिए उत्पादन करते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम मई 2005 में परिवर्तित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ है। ECGC संस्था निर्यात वित्तीयन एवं बीमा से संबंधित कार्य करती है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996 में की गई थी। अर्थव्यवस्थाओं में सेवाओं के निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं। एंट्री पोर्ट व्यापार पुनः निर्यात के लिए मंगाई गई वस्तुओं के संदर्भ में होता है। साख पत्र एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक उस शुल्क की पूर्ण का आंशिक वापसी है जो निर्यात की वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है, उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भुगतान संतुलन से क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। दोस्तों भुगतान संतुलन को आसान शब्दों में एक देश और शेष दुनिया के बीच हुए वित्तीय लेन देन का हिसाब कहा जाता है। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य रुपये व विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य में कमी से है। ई कॉमर्स का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्या पढ़ते हैं क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक वर्ल्ड बैंक जिसको कहते हैं दोस्तों प्रकाशित करता है। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों WTO की, वर्ल्ड जो WTO है दोस्तों उसका स्थापना 1995 किया गया था। WTO दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत WTO का सदस्य 1995 बना था। WTO का पूर्ववर्ती नाम व्यापार एवं टैरिफ पर सामान्य समझौता जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक मतलब GATT था, अर्थात गैट था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना है। पत्र स्वर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है। IMF ने 1970 में इस व्यवस्था का प्रारंभ किया था।
यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी की स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ब्रिक्स समूह का प्रथम शिखर सम्मेलन 14 अप्रैल 2011 को चीन के हेनान प्रांत के सान्या शहर में संपन्न हुआ। इसमें दोस्तों ब्रिक्स का समूह का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के योकातेरिनबर्ग में हुआ था। यूएनएससी का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। औपचारिक रूप से विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में हुई, पर इसने वास्तव में 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में है। G15 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। भारतीय विकास फोरम IDF को पूर्व में भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता है। दोस्तों विविध से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको देख लिया जाता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं। जयंत पाटिल समिति की स्थापना सूखा क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी। गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार जनसंख्या को दिया जाता है। CD देशमुख RBI के गवर्नर होने के साथ वित्त मंत्री भी रहे। अक्सर पूछा जाता है RBI गवर्नर होने के साथ साथ वित्त मंत्री भी रहे, कौन रहे दोस्तों? CD देशमुख। वर्तमान में रिजर्व बैंक गवर्नर शशिकांत दास जी हैं, आप लोग को पता ही होगा दोस्तों। भारतीय कॉरपोरेट वर्तमान में दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शक्तिकांत हैं दोस्तों, शक्तिकांत दास जी वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। भारतीय कारपेट औद्योगिकी संस्थान की स्थापना भदोही संत रविदास नगर में की गई। हरियाली कार्यक्रम का संबंध जल संचयन प्रबंधन कार्यक्रम के समर्थन से है। एक ऐसा बाजार जहाँ विक्रेता क्रेता से अधिक होते हैं क्रेता बाजार कहलाता है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम लघु एवं माध्यम उद्योगों के लिए वित्तीयन करता है। PVR सिनेमा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? अक्सर लोग कहते हैं अरे हम PVR जा रहे हैं। PVR सिनेमा का नाम पूरा है प्रिया विलेज रोड शो। अभी तक लोग बहुत कम जानते थे, कहते हैं PVR जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? PVR सिनेमा जा रहे हैं, प्रिया विलेज रोड शो जिसको कहते हैं। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। दोस्तों PVR हर जगह है, हर आप उसमें देखेंगे, जैसे लखनऊ हुआ, इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, मतलब हर अच्छे अच्छे जगह जो है PVR आप देख ही रहे हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है। एरो परियोजना का संबंध डाकघरों की नई पहचान बनाने से है। फरवरी 2004 में A.K. माथुर की अध्यक्षता में 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया। सुपर बाजार एक प्रकार का फुटकर विक्रय संगठन होता है, यहाँ विस्तृत प्रकार की उत्पादन श्रृंखला मौजूद होती है। भारत की आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। गैर घरेलू गैस सिलेंडरों में भारी LPG का भार 19 किलोग्राम होता है दोस्तों, जो मतलब घरेलू नहीं होता है, जो बिजनेस के लिए उपयोग करते हैं, जैसे आप जानते ही हैं स्वीट्स की शॉप वाले हुए और भी लोग हुए, तो उसमें 19 किलो वजन रहता है गैस का। घरेलू गैस सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम LPG होती है। सांसद स्थानीय विकास निधि योजना 1993 में आरंभ की गई थी। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद नई इकाई एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। एडम स्मिथ एक स्कॉटिक दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे जिन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र और पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ थे। पूछा गया क्वेश्चन है वर्ष 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त सेन को अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार मिला था। भारत में सिक्कों की ढलाई मुंबई कोलकाता तथा हैदराबाद में होती है। यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 2 शहरों ग्रेटर नोएडा एवं आगरा को जोड़ता है। भारत को कुल 9 पिन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यह। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय
और भारत भवन भोपाल में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्ट हो जाती है। इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लिखी थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास अर्थात ट्रस्टीशिप की विचारधारा पर आधारित है। भाखड़ा नांगल हरियाणा पंजाब और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत भाखड़ा एवं नांगल में सतलज नदी पर दो बांध बनाए गए हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में कराई गई थी। भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। मुद्रा स्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा अब स्फीत वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें कम होने लगती हैं। तो दोस्तों यह दोनों जो है मुद्रा स्फीत और मुद्रा स्फीत को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। आर्थिक विकास दर गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के जीडीपी में परिवर्तन, गत वर्ष का जीडीपी निवल राष्ट्रीय उत्पादन में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। आर्थिक समृद्धि दर बराबर होता है गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के एनएमपी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी, गत वर्ष का एनएपी यही होता है। दोस्तों संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। कृषि होता है दोस्तों, वानिकी होता है, मत्स्य होता है कि प्राथमिक में, और खनन एवं उत्खनन होता है। द्वितीयक में निर्माण और विनिर्माण होता है। तृतीयक में परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवा, ये सब होती हैं। अपनी मुद्रा की आकलन पहचान चिन्ह बनाने वाला भारत विश्व का पांचवा देश है। भारतीय रुपये के चिन्ह, इसका डिजाइन ITI मुंबई स्नातकोत्तर की डी उदय कुमार ने तैयार किया था। दोस्तों आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, इसका डिजाइन जो है डी उदय कुमार ने तैयार किया था। एक मार्ग श्रेणीकृत कृषि पणियों के लिए जारी की गई एक विपणन सील को कहा जाता है। ICICI बैंक भारत में 1000 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक है। दोस्तों वे वस्तुएं जो उपभोक्ताओं के उपभोग या फिर फर्मों के निवेश के लिए निर्धारित होती है अंत वस्तुएं कहलाती हैं। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमा के आधार पर क्रेडिट सृजित करते हैं। उपभोग फलन तथा उपभोग प्रवृत्त आय और उपभोग के मध्य संबंध दर्शाता है। व्यक्तिगत प्रयोज आय व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष करों के अंतर के बराबर होता है। प्रति व्यक्ति आय, यह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या या निवल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल जनसंख्या जो है होता है। राष्ट्रीय आय जिसको हम कहते हैं NN, पैट फैक्टर कॉस्ट, NNP जिसको कहते हैं, ये होता है दोस्तों। MP निवल मतलब प्रत्यक्ष कर प्लस इमदाद जिसको सब्सिडी कहा जाता है, राष्ट्रीय आय उसी को कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी को राष्ट्रीय आय की किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद होती है। बहुराष्ट्रीय फर्म वह फर्म है जो अनेक राष्ट्रों में प्रचलित एक कंपनी होती है। किसी निगम के लेनदार बांड धारक होते हैं। बांड एवं डिवेंचर का तात्पर्य ऋण पत्रों से होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IBRD से संबंधित है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर दामों पर मापा जाता है। आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। समांतर अर्थव्यवस्था का उदय कर अपवंचन के कारण होता है। तो दोस्तों यह रहे बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर। इसके बाद मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें से कौन कौन क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप लोग को अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 26 में आप लोग को बताया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। हर परीक्षा में, हर भर्ती परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं। PET की तैयारी तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन साथ में जो है सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज जो है तैयारी हो रही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।